हेलो गाइस, आज हम रियलमी 9i की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बॉक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लुकिंग बॉक्स है और टिपिकली रियलमी की जो डिवाइसेज हैं वो इसी तरह के बॉक्सेज में आती हैं। इस साइड पे PTA की ब्रांडिंग है, 6GB 128GB वेरियंट है हमारे पास। और बॉक्स को मैं जल्दी से अनरैप कर लेता हूँ ताकि ये नीचे वाले साइड पर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह जो लिखी हुई हैं उनको भी हम देख लें इसके ऊपर जो मैंशन की गई हैं। सो दिस इज़ अनदर डिवाइस दिस ईयर जो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आ रही है और मेरा ख्याल है बैक टू बैक 9-10 डिवाइसेज हो चुकी हैं जो इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो चुकी हैं। 33 वॉट का फास्ट चार्जर इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा और 5000 mAh की इस डिवाइस के अंदर बैटरी लगाई गई है। 50 MP का मेन कैमरा है, उसको भी हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करता है। मेन जो एक इस बॉक्स के ऊपर एक हाईलाइट है वो ये है कि ये डिवाइस जो है ये मेड इन पाकिस्तान है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैनुफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, जो कि एक खास बात है मेरे ख्याल में इस डिवाइस के लिए। और बॉक्स को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उसके ऊपर भी पैटर्न सा दिया गया है और डिवाइस की जो बैक फिनिश है वो भी ऐसी ही होने वाली है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और डिवाइस को देखते हैं। और बॉक्स को ओपन करते ही रियलमी के हर बॉक्स की तरह रियलमी सबसे पहले आपको अपनी फैमिली में वेलकम करता है ये इस छोटे से नोट के साथ। और इसकी बैक साइड के ऊपर जो है आपकी न्यू जर्नी के लिए आपको वेलकम किया गया है। और इस बॉक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क होने वाला है और इसका स्टैंडर्ड जो केस ऑलमोस्ट सारी ही मिड रेंज डिवाइसेस के साथ आपको मिलता है वही केस इस डिवाइस के साथ भी आपको मिल रहा है। ये कुछ पेपर वर्क है और यहाँ पर सिम इजेक्शन पिन भी है, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं अभी फिलहाल क्योंकि इसको हम यूज़ भी करने वाले हैं थोड़ी देर में। और स्टैंडर्ड लुकिंग सिलिकन केस है, इस साइड पे कट आउट है फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए। तो इस डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड है क्योंकि इसका डिस्प्ले IPS है। और नीचे वाले साइड पर हेडफोन जैक की भी जगह दी गई है, तो इस डिवाइस में हेडफोन जैक भी होने वाला है। और सिम इजेक्शन पिन को भी मैं निकाल के अभी यहाँ रख लेता हूँ और अभी चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ क्योंकि नेक्स्ट जो है बॉक्स में डिवाइस ही है। और इसको यहाँ पे इस रैपर के अंदर रखा गया है, ये आप देख सकते हैं मैट ब्लैक लग रही है, ये एक्चुअल में मैट नहीं है। जब ये रैपर उतरेगा ऊपर से तो तब आप इस डिवाइस की एक्चुअल जो बैक है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट इन द बॉक्स ये मैसिव एक साइज़ की 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रेक दी गई है। इसका साइज़ भी मैसिव है और ये तकरीबन जो डिवाइस है उसको चार्ज भी काफ़ी तेज़ करने वाली है। और इस प्राइस रेंज में 33 वॉट जो है वो बड़ी कम डिवाइसेस के साथ आता है। और उसके साथ स्टैंडर्ड टाइप सी की केबल भी प्रोवाइड की गई है। तो बॉक्स में हेडफोन वगैरह तो नहीं पड़े हुए लेकिन आपको इसके साथ केबल और 33 वॉट का फास्ट चार्जर जो है वो दिया गया है। तो ये तो थे इसके बॉक्स के कंटेंट्स। अब चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ जो कि इस फेडेड से रैपर के अंदर काफ़ी मैट फिनिश के साथ लग रही है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि डिवाइस की जो फर्स्ट लुक है ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है और इसमें एक ग्लासी सा पैटर्न भी है। मैं स्टिकर भी रिमूव कर लेता हूँ वारंटी स्टिकर को। ओवरऑल दो कि इस डिवाइस की जो बैक है वो प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन उसके ऊपर जो ये ग्लासी फिनिश दी गई है उससे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये डिवाइस जो है ये प्लास्टिक बैक के साथ है, बिल्कुल ही ग्लास की लुक दे रही है ये डिवाइस। टॉप साइड पे इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का मेन सेंसर टॉप पे है और ये नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि रियलमी की ब्रांडिंग भी दी गई है। और उसमें ये हल्का सा एक लाइनिंग का डिज़ाइन है, अगर मैं मेरा कैमरा जो है वो आपको दिखा सके। और ड्यूअल रिफ्लेक्शन है, अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर जो है एक प्लेन रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्लेक्शन है जिसमें हल्की सी लाइनिंग्स हैं। डिवाइस को भी बूट अप कर लेते हैं और फ्रंट साइड पे अगर हम बात करें तो ये पंच होल स्टाइल में जो है एक साइड पे इसके कैमरा दिया गया जो कि 16 MP का सेल्फी शूटर है। और डिवाइस से जब तक बूट अप होती है हम इसकी ज़रा जो साइड्स हैं उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इस डिवाइस का जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक बिल्ड है, बैक भी इसकी प्लास्टिक बिल्ड ही है लेकिन इसको फ्रेम को भी ऐसे मैट फिनिश किया गया है कि वो मेटालिक लुक दे रहा है लेकिन एक्चुअल में ये प्लास्टिक है। इस साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है और पावर बटन जो है उसी में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस डिवाइस का, तो इसी को आप जो है एज ए फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर बटन यूज़ करेंगे। टॉप साइड पे अगर हम बात करें तो हेडफोन जैक वगैरह नहीं दिया गया, वो डिवाइस की बॉटम साइड पे है। तो टॉप साइड ऑलमोस्ट क्लीन है इस डिवाइस की। और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम रॉकर है इस डिवाइस का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वॉल्यूम रॉकर नहीं बल्कि वॉल्यूम बटन्स हैं आप देख सकते हैं और साथ ही सिम ट्रे भी है। तो इट्स टाइम के जो सिम इजेक्शन पिन हमने रखी हुई थी उससे इसकी जो सिम सजेशन है उसको चेक करें। तो यूजुअली जो मिड रेंज डिवाइसेज होती हैं उनमें आपके पास फुल ऑप्शन सिम ट्रे होती है, तो इस डिवाइस ने भी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। आप इसमें दो सिम्स और एक SD कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं और मेरा ख्याल है 1 TB तक का SD कार्ड ये डिवाइस सपोर्ट करती है। तो स्टोरेज वाली साइड से आपको ये डिवाइस बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली, आप इसमें बेफिक्र होकर जो है SD कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और बात करें डिवाइस की जो फ्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा मेटालिक लुक दे रहा है लेकिन ये प्लास्टिक है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके अलावा जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी लोअर साइड पे दी गई हैं। तो मैं डिवाइस को जल्दी से सेटअप करता हूँ और सेटअप के बाद मिलते हैं।
तो डिवाइस को रेडी करने के साथ साथ फिंगरप्रिंट वगैरह भी मैं इसमें सेव कर चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है वो एज़ ऑलवेज़ जो है वो परफेक्ट है, और ये बेस्ट पोजीशन भी होती है फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, और जो है ये काम भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है। फेस अनलॉक की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी एफिशिएंट है, इस डिवाइस में काफ़ी तेज़ी से जो है वो अनलॉक कर रहा है। और ये डिवाइस जो है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, IPS डिस्प्ले इसमें लगाया गया है, लेकिन उसके साथ आपको जो है 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दिया गया है। तो ये ट्रेड ऑफ आप देख लें कि आप कौन सा जो है वो प्रेफर करते हैं। AMOLED जो है वो 60 हर्ट्ज़ के साथ इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है, लेकिन IPS स्क्रीन जो है वो आपको 90 हर्ट्ज़ के साथ Realme प्रोवाइड कर रहा है। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं। 1080p रेजोल्यूशन के साथ ये डिवाइस आती है, और इसमें जो है मैं पहले भी बताया था स्नैपड्रैगन 680 के साथ ये डिवाइस आई है, और ये 680 के प्रोसेसर के साथ जो डिवाइसेस आ रही हैं ये बिल्कुल ही क्राउडेड होता जा रहा है काम। और ये डिवाइसेस PUBG के लिए लोग जो है वो प्रेफर इसलिए नहीं कर रहे कि 30 FPS से ऊपर जो है गेम प्ले नहीं दे रही, लेकिन मैं इसके ऊपर भी जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि 680 जो है स्नैपड्रैगन 680 में आप 60 FPS वाली गेमिंग किस तरह कर सकते हैं। ये डिवाइस 6GB और 128GB रैम के साथ आ रही है, प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बॉडी है इसकी। कैमरा जो है 50 MP और 16 MP फ्रंट और बैक इसका दिया गया। डिवाइस वेट वाइज और थिकनेस वाइज जो है वो थोड़ी अपर साइड पे है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इसकी बैक को कर्व वगैरह दिया गया तो ये इतनी ज़्यादा थिक हाथ में फील नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ्लैट एजेस नहीं है इस डिवाइस के। तो ओवरऑल जिस प्राइस टैग में ये डिवाइस आ रही है उस हिसाब से ये एक अच्छी स्पेक्स लिस्ट है। IPS डिस्प्ले जो है वो एक ट्रेड ऑफ है 90 हर्ट्ज़ के साथ आपको मिल रहा है, तो वो अब हर बंदे की एक अपनी प्रेफरेंस है। मैं AMOLED जो है उसको प्रेफर करता हूँ। और बात हो रही है रिफ्रेश रेट की, तो उसका जो रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी छुपा के रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में डायरेक्ट आप जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता, यहाँ मोर वाली ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट की ऑप्शन मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 पे सेट था, तो इसको आप ऑटो सेलेक्ट पे भी रख सकते हैं और 90 हर्ट्ज़ पे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप 90 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिवाइस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स अप टू यू कि आप इस प्राइस टैग में या तो AMOLED डिस्प्ले अगर प्रेफर करते हैं तो आप किसी और डिवाइस की तरफ जाएं, या अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट डिवाइस चाहिए तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। तो आप मेरा ख्याल इस डिवाइस का कैमरा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो मेन कैमरा जो है 50 MP का सेंसर दिया गया है वो ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ है, लेकिन देखते हैं कि वो एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। तो एस्पेक्ट रेशो को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसी में सेलेक्ट करते हैं। और ये है हमारा आज का मॉडल, ये इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ एक शॉट लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब अगर हम देखते हैं तो इस डिवाइस में आपके पास 50 MP की एक सेपरेट ऑप्शन भी मौजूद है, तो उसके साथ भी एक स्नैप लेके चेक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड शॉट कैप्चर किए हैं इस डिवाइस ने, और इनडोर कंडीशंस में भी बिल्कुल ही नॉइज़ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जो है वाइब्रेंट पिक्चर है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इसमें 2 MP का एक मैक्रो लेंस भी लगाया गया है, उसको भी हम चेक करते हैं। अल्ट्रा मैक्रो के नाम से यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है मोर में, तो आप उसको यूज़ करते हुए जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना आउट क्लास रिज़ल्ट तो इसका नहीं होने वाला क्योंकि 2 MP का छोटा सा सेंसर है। बाकी इस डिवाइस में किसी किस्म की ऑप्टिकल जूमिंग वगैरह तो नहीं दी गई, डिजिटल जूमिंग की ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा 2x या 5x तक की जूमिंग इस डिवाइस में दी गई है, उसको भी ज़रा हम देखते हैं। तो ये आप जो है 2x में देखें कि 2x में जो है डिजिटली जूम करके, और ये इसका जो है 5x है, ये टोटली डिजिटल जूमिंग है। तो ये आपको टेक्निकली ये पिक्चर इन पिक्चर क्रॉप हुआ होता है, ये आप देख सकते हैं ठीक ठाक रिजल्ट है। तो इसका जो मेन सेंसर है उसी को यूज़ करते हुए ये डिजिटली जूम किया गया। तो ऑल दो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप तो इस डिवाइस में मौजूद है, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, तो 50 MP का मेन कैमरा ही है इस डिवाइस का जो एक यूज़ेबल कैमरा है। वीडियो की अगर बात करें तो आपके पास 1080p और 720p पे वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, और ये दोनों 30 FPS पे ही रिकॉर्ड करते हैं, 60 FPS वगैरह की रिकॉर्डिंग इस डिवाइस में नहीं है। तो स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास इस डिवाइस में नहीं होने वाली, 4K भी नहीं है इस डिवाइस में, और स्लोमो वगैरह की ऑप्शन आपके पास मौजूद है और जो कि 720p पे ये डिवाइस रिकॉर्ड करेगी, स्टैंडर्ड जो 720p रेजोल्यूशन है उसी पर रिकॉर्ड करेगी। तो ऑल इन ऑल जो है मिक्स बैग है इसकी, जो कैमरा है मेन कैमरा इसका अच्छा है और अच्छी पिक्चर्स लेगा, लेकिन उसके अलावा जो उसको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं वो लैग कर रही हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी डिवाइस है, एक अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ आ रही है, बैटरी भी परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस की अच्छी होने वाली है, इसके साथ फास्ट चार्जिंग भी है 33 वॉट की, और इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है ये आप देख सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसर है वो एक टेंशन ज़रूर बना सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ जितनी भी डिवाइसेस आई हैं अभी तक वो सारी ही 30 FPS तक की PGMI और PUBG में गेमिंग सपोर्ट कर रही हैं।
तो इस डिवाइस का मैं गेमिंग टेस्ट करूँगा जल्दी और बताऊँगा आप लोगों को कि इस डिवाइस में जो है आप 60 FPS किस तरह अचीव कर सकते हैं अगर ये डिवाइस 60 FPS नहीं दे रही तो। और इसकी जो रिफ्लेक्टिव बैक है उसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए आप इसके साथ जो केस दिया गया है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस से ये है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो इस डिवाइस की बैक के ऊपर नहीं आएंगे। ये जो केस आजकल डिवाइसेस के साथ दिए गए हैं ये डिवाइस पे लगाना भी एक मुश्किल काम है क्योंकि इसके आगे एक लिप सा दिया जाता है ताकि जो इस डिवाइस का फ्रंट है अगर आप फेस ऑन भी रखें तो उसके फ्रंट के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज में एक अच्छी डिवाइस है। गेमिंग का जो इसका टेस्ट है वो जल्दी हम करेंगे और देखेंगे कि ये डिवाइस गेमिंग में किस तरह परफॉर्म करती है और इसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।